गुड मॉर्निंग। आज मैं बीफॉर्म सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कल जो मैं टॉपिक पढ़ाई थी सल्फोनामाइड, उसके आगे के ड्रग के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था सल्फोनामाइड होता क्या है, एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। सल्फोनामाइड मैंने बताया था जिसमें क्या पाया जाता है, सल्फर भी होगा आपका, अमीनो ग्रुप भी होगा और आपका कार्बोनिल कंपाउंड भी होगा। और एक तरह से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सल्फोनामाइड जो मैंने बताया था उसकी स्ट्रक्चर में क्या था, सबसे पहले एक बेंजीन रिंग था। बेंजीन रिंग के साथ सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और एक एमाइड ग्रुप इधर लगा हुआ था और दूसरा इधर लगा हुआ था। ये किसका नाम हो गया, सल्फोनामाइड। आप सोचोगे क्यों दोबारा मैम बता रही है, इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट ड्रग पढ़ाऊंगी सल्फा गुआनिडीन, वो भी इसका सल्फोनामाइड का ही स्ट्रक्चर है। बस क्या है कि जो आपका एमाइड वाला ग्रुप है वहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपका गुआनिडीन वाला ग्रुप लग जाता है। तो सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर ये था। सल्फोनामाइड का क्या क्या था मैंने बताया था, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज किया जाता है, मतलब कि जितने भी आपके माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको एक मतलब मान लीजिए आपका स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, गुनेनोकोकस हो गया, सबको ये क्या करता है, आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सबको ये क्या करता है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ये भी मैंने बताया था इनहिबिट कैसे करता है, जो आपका जो बैक्टीरिया का जो रिसेप्टर साइट होता है वो क्या होता है कि उसके पापा आके अटैच होना चाहिए, जिससे कि फोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और फोलिक एसिड बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी होता है। तो ये क्या करता है, आपका सल्फोनामाइड जो होता है वो पापा के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता होता है। मैंने बताया था ये सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब पापा का स्ट्रक्चर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका ऐसे ही होगा, इसमें क्या लग जाएगा, CH1OH और आपका NH2। तो ये आपका नियर अबाउट सेम ही है इसका स्ट्रक्चर। तो क्या होता है जो कि आपका पापा ना अटैच होकर सल्फोनामाइड जाके उस रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है, जिससे क्या होता है कि फोलिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाता है, बनना फोलिक एसिड बन नहीं पाता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे वो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। फिर मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था तीन तरह से होता है, पहला बताया था आपका लॉन्ग एक्टिंग, दूसरा बताया था इंटरमीडिएट, तीसरा मैंने बताया था शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में भी एग्जांपल सब बताया था, सॉफ्ट इंटरमीडिएट में भी बताया था कौन कौन आते हैं और शॉर्ट एक्टिंग का भी बताया था। इसमें मैंने दो ड्रग पढ़ाया था, सल्फर एसिटामाइड और थाइल सक्सिनिल, वो क्या कह रहे हैं, दो बताया था आपका सल्फर एसिटामाइड और दूसरा ड्रग था आपका क्या कहते हैं सल्फाथायाजोल, दो ड्रग बताया था। सल्फाएसिटामाइड का भी स्ट्रक्चर बताया था ऐसे ही होगा और OCS3 यहाँ पे लग जाएगा, सल्फाएसिटामाइड का स्ट्रक्चर हो गया। उसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि और किसमें सॉलिबिलिटी बताई थी और यूज बताया था, इसी तरह मैंने उसका भी बताया था, थाइल सल्फाथायाजोल के बारे में बताया था, उसका भी प्रॉपर्टी बताया था, यूज बताया था। कि ये ड्रग ऐसे ही आपके आगे नेक्स्ट ड्रग जो आपको मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है सल्फा गुआनिडीन, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट ड्रग जो पढ़ने जा रहे हैं कौन सा है, सल्फा गुआनिडीन, सल्फा गुआ गुआ
सल्फा ग्वानिडीन, सल्फा ग्वानिडीन, सल्फा ग्वानिडीन इसका नाम है, ठीक है, ग्वानिडीन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर दिमाग में रखना, इसी इसका पहले ये बना लेना, ठीक है, NH2 तो ये रहेगा ही। फिर इसके साथ सल्फन सल्फेट के साथ दो ऑक्सीजन SO2 वैसे लिख सकते हैं। फिर NH, NH के साथ फिर क्या लग जाएगा आपका, NH का C डबल बार NH NH2, C डबल वन NH और NH, तो ये ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सल्फा ग्वानिडीन, ठीक है। तो सल्फा ग्वानिडीन में क्या बढ़ गया, बस आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके कार्बन के साथ NH2 और NH लग जाएगा, आपका सल्फा ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो याद करने में बहुत आसान है, नंबरिंग यहीं से करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था ये एक नंबर हो जाएगा, ये दो नंबर हो जाएगा, ये तीन नंबर हो जाएगा, ये चार नंबर आ जाएगा। तो ये सल्फा ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर है। सल्फोनामाइड का अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप लोग सल्फा ग्वानिडीन का भी स्ट्रक्चर बना लोगे, बस एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके सी डबल वन, एक कार्बन जुड़ जाएगा एनएच से और कार्बन के साथ सी डबल वन एनएच और एनएच टू लग जाएगा, तो आपका सल्फा ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर इसका आते हैं, मैंने दो चीज बताया, फिर इसका प्रॉपर्टी और यूज, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी बता देते हैं, सल्फा ग्वानिडीन की प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज क्या है। पांच छह ड्रग है जो आपको सल्फोनामाइड में पढ़ना है, तो ये एग्जाम में पूछता है, गिव द केमिकल स्ट्रक्चर यूज प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ सल्फा ग्वानिडीन, गिव द केमिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ एस्टामाइड, गिव द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड, what is the more classifies and classifies the sulfonamide ka de dega, the classification aur uske drug ke bare mein, theek hai, define write the short note on sulfonamide, kya kya likhoge sulfonamide mein, kya kya matlab ki isme carbon paya jata hai, carbonic group paya jata hai, sulfur paya jata hai, nitrogen paya jata hai, ye sab, aur carbon jo sulfur hota hai, do oxygen usse attached, ऑक्सीजन दो होता है जो डबल बॉन्ड से अटैच होता है, ये सब बता सकते हैं अगर शॉर्ट नोट पूछ सकता है। तो मैंने बताया सल्फा ग्वानिडीन, सल्फा ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर मैंने बताया ही था, घर बना लो एक बार, सल्फा ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर में क्या बताया था, बेंजीनिंग, यहाँ से NH2 जुड़ा ही रहेगा, दूसरी तरफ क्या है आपका सल्फर, ये तो ऐसे ही रहेगा, NH, NH के साथ एक कार्बन, एक कार्बन के साथ NH2 और दूसरे का NH, ठीक है, तो ये सल्फा ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर मैं इसका प्रॉपर्टी बता देती हूँ, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है, क्या क्या है प्रॉपर्टी और यूजेस का। तो सबसे पहले क्या है कि ये थोड़ा सा अलग है, ये व्हाइट कलर का होता है और नीडल शेप में इसका शेप होता है, जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि कोई पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, कोई क्रिस्टल व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में सल्फा एसिटामाइड का बताया था, वो पाउडर फॉर्म में आपका थायजोल के बारे में बताया था। तो इसका इसका क्या पहला प्रॉपर्टी होगा कि व्हाइट कलर नीडल से, नीडल से मतलब इसका शेप कैसे दिखेगा, व्हाइट कलर का होगा, नीडल शेप, क्रिस्टल, क्रिस्टल हो सकता है और क्रिस्टलाइन पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। तो क्या मैंने सबसे पहले पॉइंट याद रखो कि जो सल्फा ग्वानिडीन होता है इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये व्हाइट कलर का होता है, नीडल शेप का होता है, क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है, पहला प्रॉपर्टी याद कर लेना। दूसरा क्या होता है कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में,
इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। एक और पॉइंट हो गया सॉल्युबिलिटी उसकी, मतलब ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब ये जैसे क्या था फ्रीली सॉल्युबल, मतलब बताया था मैंने 1 ग्राम को 10 ml में डिसॉल्व करोगे तो वो फ्रीली सॉल्युबल है, अगर 1 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या क्या कहते हैं सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब कि उसे ज्यादा अमाउंट में आपको वाटर चाहिए, तब ठीक। फिर क्या करें सॉल्युबल किसमें है, लेकिन ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल किसमें है हॉट वाटर में। इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो 4 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। तो क्या कह रहा है ये पहला पॉइंट कि इसका जो ये व्हाइट कलर का नीडल शेप का क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल किसमें होगा हॉट वाटर में, ठीक है। हॉट वाटर में ये क्या है आपका सॉल्युबल होता है। चौथा पॉइंट क्या हो गया कि जो आपका ये होता है ये मतलब बहुत मतलब इट इज पुअरली सॉल्युबल एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, इट इज पुअरली एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में ये आसानी से क्या होता है एब्जॉर्ब नहीं होता है, पुअरली एब्जॉर्ब फॉर्म इन द इंटेस्टाइन, मतलब पुअरली एब्जॉर्ब फॉर्म होता है इंटेस्टाइन में, मतलब ये तो लिख सकते हैं इट इज पुअरली एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, ये इट इज पुअरली एब्जॉर्ब फॉर द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के लिए ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है। फिर इसका यूज देख लो, ये इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में यूज होता है, मतलब अगर आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया मन जैसे कि क्या होगा डायरिया हो गया डिसेंट्री हो गया तो क्या होता है सल्फाग्वानिडीन को हम देते हैं, इसका यूज एक लिख लो। आपको पता ही है जो आप जो भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कब देते हैं जैसे माइक्रो क्या होता है कि जो आपके इंटेस्टाइन जो होते हैं उन जो म्यूकस का बना होता है तो उसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया वगैरह क्या क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं आपके उसके क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं और आपको क्या कहते हैं लूज मोशन वगैरह होने लगता है, जब आपको अगर क्या कहते हैं डायरिया हो गया डिसेंट्री हो गया तो क्या कह रहा है इसका यूज यूजेस क्या हो जाएगा इसका, इट इज यूज्ड इन इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन इंफेक्शन, ठीक है। तो ये इसका किसका बताया मैंने सल्फाग्वानिडीन का स्ट्रक्चर बताया, फिर 4 पॉइंट बताया, पहला पॉइंट की ये व्हाइट कलर का नीडल शेप का क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये जो होता है वाटर में स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है लेकिन हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। फिर मैंने क्या बताया कि ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है आपके इंटेस्टाइन में, लेकिन इसको यूज किया जाता है इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका सल्फाग्वानिडीन एक कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा आपको ड्रग जो पढ़ना है कौन सा पढ़ना है आपको, दूसरा है सल्फा मेथॉक्सी पैरा डाइजीन। नेक्स्ट जो पढ़ना है आपको ड्रग सब एक ही जैसी स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज मत होना, इसको बना बना के जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, सबका नाम मिलता जुलता है। तो सल्फा मेथॉक्सी पायरीडाइजीन, सल्फा मेथॉक्सी
पेरिडाइजीन, पेरिडाइजीन सल्फामेथॉक्सी पेरिडाइजीन, इसका नाम है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले तो आप सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर याद कर लो, NH2 S डबल वन ओ NH, और इसमें क्या लग जाएगा? पिरिडीन वाली रिंग जो होगी, पिरिडीन वाली रिंग से मेथॉक्सी OCS3 ग्रुप, तो पिरिडीन वाली रिंग लगा दो, एक N ऐसे, फिर इसको ऐसे 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 ऐसे, और आपको OCS3 ग्रुप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपका मेथॉक्सी, दिस इज कॉल्ड मेथॉक्सी ग्रुप, या आपका पिरिमिडीन वाली पैरिमिडाइजीन वाली रिंग हो गई, और ये आपका सल्फा, सल्फा वाला रोग है, तो इसका नाम हो गया सल्फा मेथॉक्सी पिर, क्या होगा? सल्फा मेथॉक्सी पिरन, ठीक है। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, किसका हो जाएगा? आप चाहते इसको ऐसे भी बना सकते हो, दोनों नाइट्रोजन को ऐसे दिखा दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या होगा? इसका नाम सल्फा मेथॉक्सी पेरिडाइजीन, ठीक है। तो याद करने का सल्फामाइड का स्ट्रक्चर, सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर याद दिमाग में करो। सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके पिरिडीन वाली रिंग लगी है ये, और उसके मेथॉक्सी ग्रुप लगा दो, आपका क्या हो जाएगा? सल्फा मेथॉक्सी पेरिडाइजीन, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसका आता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी और यूजेस में क्या है? ये व्हाइट और येलोइश कलर का पाउडर होता है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इट इज व्हाइट और येलोइश कलर पाउडर, येलोइश कलर पाउडर। देखो ये किस लाइन नहीं है, ये क्या है? पाउडर केवल है, मतलब पाउडर मतलब उसमें साइनिंग नहीं लगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? कि जो आपका सल्फा मेथॉक्सी पेरिडाइजीन जो होता है वो क्या है, इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है? ये व्हाइट कलर का या येलोइश कलर का पाउडर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। आईपी में जब आप आईपी में देख लेना, सॉल्युबिलिटी का पैरामीटर दिया गया है, कि आईपी उठा के देखना, उसमें दिया है कि फ्रीली सॉल्युबल में कितना से कितना एमएल वाटर करते हैं, सॉल्युबल में कितना से कितना एमएल वाटर होता है, स्पायरिंगली में कितना होता है, स्लाइटली में क्या होता है, वेरी स्लाइटली में क्या होता है। एक बार आप लोग उसका क्या कहते हैं डिटेल उसमें दिया है पैरामीटर, एक बार उठा के देख लीजिएगा, आईपी में दिया, इंडियन फार्माकोपिया वाले बुक में। तो क्या पूछ रहा है? पहला पॉइंट क्या है? इट इज व्हाइट और येलोइश कलर पाउडर। दूसरा क्या है? वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्पायरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल। तीसरा पॉइंट होगा स्पायरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड। तीसरा पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड,
मिनरल एसिड मैंने बताया था क्या होता है, मिनरल एसिड मतलब कि आपका नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, इसको मैं इसको हम लोग क्या करते हैं मिनरल एसिड कहते हैं। ये क्या हो रहा है, किसमें सॉल्युबल हो रहा है, नॉट ए कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड, ब्रैकेट में था तो लिख सकते हो HNO3 H2SO4 एंड HCl, ठीक है, ये आपके मिनरल एसिड हो गए। फिर क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का क्या है कि जो इसका यूज है आगे कि ये सिस्टेमिक जो आपके सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसका डोज बता रहा है कि जो इसका डोज इनिशियल डोज होता है 1 ग्राम 500 mg डेली दिया जाता है, मतलब सल्फर मेथॉक्सी पैराडाइजीन जो होता है 500 mg पर डे दिया जाता है, mg डेली दिया जाता है, ठीक है। 1 ग्राम इसका जो होता है ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन में यूज होता है, और दूसरा की डोज इनिशियल जो डोज जो होता है इसका इनिशियल डोज होता है आपका 1 ग्राम फॉलोड बाई 1 ग्राम फॉलोड बाई 500 mg पर डेली 500 mg डेली, ठीक है। तो इसका डोज हो गया, तो किसी किस्म जो मिल जाता है मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ इसको इतना mg दिया जाता है, इसको इतना mg दिया जाता है, तो ये 500 mg डेली आप इसको अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है तो आप इसको 500 mg डेली दे सकते हैं। तो ये सल्फामेथॉक्सी पाइराडाइजीन हो गया दूसरा, ठीक है। इसके पहले सल्फा गुआनिडीन बताया था, उसका यूज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में सिस्टेमिक इन्फेक्शन में होता है, और उसमें मैंने स्ट्रक्चर उसका बताया था, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है तो इसको देख लीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, ये वाइट कलर का या येलो इस कलर का पाउडर होता है, जबकि सल्फाग्वानिडीन का क्या बताया था, ये वाइट कलर का नीडल शेप का क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसमें क्या है, ये बस डाइल्यूट मिनरल एसिड में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में क्या कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल वाटर में होता है, इसका मैंने बताया था। उसका मैंने क्या बताया था, हॉट वाटर में जबकि वो सॉल्युबल हो जाएगा, और स्लाइटली सॉल्युबल किस में होता है आपका, वाटर में होता है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से कि ये क्या है। तो ये हो गया सल्फा मेथॉक्सी पाइराडाइजीन स्ट्रक्चर, एक बार और बता दे रही हूँ। स्ट्रक्चर में क्या है आपका, सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर याद करो, वही है सेम यहाँ तक, हाइड्रोजन रिप्लेस करके पिरिमिडीन वाली रिंग जो है वही डर लग गई है, और मेथॉक्सी है तो OCS3 लग गया, ठीक है, भूलेगा नहीं ना आप। अब नेक्स्ट में नेक्स्ट ड्रग बता रही हूँ क्या कौन सा है, इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा। नेक्स्ट ड्रग है सक्सेनिल क्या है, सक्सेनिल सल्फा थायाजोल,
succinyl sulfathiazole, succinyl sulfathiazole। इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर में क्या है आपका, सबसे पहले आप ये succinyl ग्रुप COH और इसके साथ क्या है CO CH2 CO NH और आपके साथ बेंजीनिंग, उसके साथ एस डबल बॉन्ड ओ अथायसोल वाला रिंग लग जाएगा NH के साथ, NH के साथ आपका NS तो आपका थायसोल वाला रिंग लग जाएगा, ठीक है। तो ये सक्सेनिल सल्फा थायसोल, सक्सेनिल ग्रुप ये हो गया, अथायसोल वाला ग्रुप, सल्फा थायसोल वाला ग्रुप ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है, एक बार याद करने की कोशिश करिए। इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या है आपका, एक आपको यहाँ तक सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर यहाँ तक का है, ये सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये वाला सारा ग्रुप लग जा रहा है सक्सिनिल और थायसोल वाला ग्रुप यहाँ लग जा रहा है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा सक्सिनिल सल्फा थायसोल, ठीक है। तो यहाँ से क्या लग जा रहा है CO CH2 CH2 CO COH, ठीक है। ये आपका हो गया सक्सिनिल सल्फा थायसोल, याद करने में बहुत इजी है। क्या है दोनों का, दोनों नाइट्रोजनामाइड वाले के एक एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक थायसोल वाला रिंग लगा दो और दूसरी तरफ क्या लग गया है CO CH2 CH2 CO COH, मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का लग गया आपका, मतलब कि दो कीटो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दो एथाइल ग्रुप, मतलब दो CH2 CH2 के साथ CO ग्रुप। फिर देखो ऐसे याद करो CH2 CH2 CO, इसको CO को ऐसे भी लिख दो, फिर CO COH, ठीक है। ये वाला ग्रुप है, ये आपका सक्सेनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये आके इसमें अटैच हो गया है, याद करने का तरीका CH2 CH2 याद करो, एक तरफ CO इधर एक तरफ CO, और CO से एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। तो कैसा सक्सेनिल सल्फा थायसोल, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके थायसोल वाला रिंग लग गया, दूसरा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CO CH2 CH2 CO COH वाला ग्रुप लग गया, ये सक्सेनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी और यूज देख लेते हैं। याद होने का तरीका मैंने बता दिया कि CO CO के बाद CH2 CH2, फिर CO, फिर COH एक तरफ, दूसरे तरफ आपका एक कहते हैं पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, एक तरफ नाइट्रोजन लगा हुआ है, एक सल्फर थायसोल वाला रिंग लग गया, थायो मतलब सल्फर ग्रुप, जो एजा ग्रुप मतलब नाइट्रोजन वाला ग्रुप, तो दोनों मिला के थायसोल बन गया, जो मैंने आपको हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमिनेशन में फर्स्ट ही बताया है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है बस इजी है, याद कर लीजिए। हर जगह मैंने अभी आप लोग को ड्रग पढ़ाया था, देखा होगा एक ही साइड में मैंने क्या कर रहा था, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कहीं मेथॉक्सी ग्रुप लगा दे रही थी तो कहीं बेंजीन के साथ मेथॉक्सी ग्रुप लग जा रहा था, कहीं थायसोल के साथ मेथॉक्सी ग्रुप लग जा रहा था, लेकिन इधर दोनों एमाइड के तरफ क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक तरफ सक्सिनिल ग्रुप लग जा रहा है, एक तरफ थायसोल वाला ग्रुप लग जा रहा है। ये याद करने का सक्सिनिल सल्फा थायसोल का स्ट्रक्चर बहुत इजी है, याद कर बनाएंगे कई बार स्ट्रक्चर तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं प्रॉपर्टी एंड यूज, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है। सबसे पहले ये भी क्या होता है आपका, व्हाइट कलर का होगा, येलोइश कलर का होगा और क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। तो सबसे प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे,
इट इज वाइट और येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है, याद हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि ये व्हाइट कलर का येलोइश कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। दूसरा क्या है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सेम ऐसे हुआ है। दूसरा कि वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया है कि ये क्या होता है कि ये स्लाइटली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। इट इज सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। इट इज सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली। तीसरा पॉइंट अलग है थोड़ा, इट इज सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्कली एंड कार्बोनेट। तो क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या बता रहा है आपका कि व्हाइट कलर का येलोइश कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। दूसरा क्या होता है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल किसमें होगा, आपका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा एल्कली का उसमें और कार्बोनेट में होगा, ठीक है। तो तीन पॉइंट हो गया, एक पहला तो येलोइश कलर का व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर, दूसरा वेरी स्लाइटली सॉल्युबल वाटर, और तीसरा हो गया ये सॉल्युबल किसमें होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली और कार्बोनेट में, ठीक है। फिर क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड में, एल्कली हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट में। फिर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है ये आपका कि जो ये एयर में क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लाइट के कॉन्टेक्ट में आते ही ये डार्क होने लगता है, ठीक है। एक और ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि एयर के कांटेक्ट में ये क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। इट इज स्टेबल इन एयर बट स्लोली 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 डार्के इन एक्सपोजर ऑफ लाइट। मतलब क्या कह रहा है कि एयर में ये क्या होगा, स्टेबल होगा, लेकिन जब ये लाइट के कांटेक्ट में आते क्या होगा, डार्क हो जाएगा, मतलब येलो या व्हाइट से क्या होगा, ब्लैक इसमें कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो ये मतलब ये क्या होगा, ये खराब होने लगेगा लाइट के कांटेक्ट में आते, ठीक है। तो मैंने चार पांच पॉइंट बताया, सबसे पहले कि ये व्हाइट या येलोइश कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, दूसरा कि जो होता है वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, तीसरा पॉइंट बताया मैंने कि ये सॉल्युबल होता है किसके, एल्कली हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, एक्वस एल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में और कार्बोनेट में। फिर मैंने बताया कि ये स्टेबल होता है एयर में, लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप लाइट के कांटेक्ट में उसको लाओगे तो क्या होने गया, एक्सपोज होने लगेगा, मतलब कि वो खराब होने लगता है।
और डार्क मतलब उसका कलर क्या होगा, डार्क होते जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जेस्टोइंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या होता है, पुअरली एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट पॉइंट चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज वेरी पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, इट इज वेरी पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। जीआईटी के बारे में मैंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। तो मतलब गैस्ट्रो जीआईटी में ये क्या होता है, बहुत ज्यादा ही मतलब कि सही पुअरली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इसका यूज, इसका यूज भी क्या है, इंटेस्टाइन की इंफेक्शन में इसका यूज होता है, और 10 से 20 ग्राम डेली टेबलेट के फॉर्म में दिया जाता है इसका डोज, द डोज इन 10 टू 20 ग्राम डेली, ठीक है। तो ये किसका यूज क्या हो जाएगा, यूज लिख लीजिए आप लोग, यूज क्या होगा, इट इज यूज इन इंफेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसका यूजेस क्या होगा, इट इज यूज इन इंफेक्शन ऑफ, किस इंफेक्शन में, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो आपका सक्सेनिल सल्फाथायजोल जो होता है उसका यूज किस में करते हैं, जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो जाता है तब ये इस ड्रग का यूज करते हैं। इसका इनिशियल डोज क्या होगा, इट इज यूज इन 10 टू 20 ग्राम डेली, इनिशियल डोज, ठीक है। ये आपका सक्सेनिल सल्फाडायजोल सल्फाथायजोल हो गया। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, एक बार और बता रही हूँ। सल्फा और सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर याद करिए, सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर में क्या था, बेंजीन लिंक था, एक तरफ एमाइड ग्रुप घर लगा हुआ था, SO2 के साथ एक एमाइड ग्रुप ये लगा था, सल्फोनामाइड हो जा रहा था। लेकिन जब एक एमाइड का एक हाइड्रोजन का हम रिप्लेस करके थायजोल वाला ग्रुप लगा देते हैं, थायजोल, थाया मतलब सल्फर वाला, एजोल मतलब कि आपका नाइट्रोजन वाला, जब सल्फर नाइट्रोजन दोनों एक साथ जुड़ा रहेगा साइक्लिक रिंग में तो उसको क्या बोलेंगे, थायजोल, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये सल्फर थायजोल वाला वो लग हो गया, और सक्सेनिल, सक्सेनिल का फॉर्मूला क्या होता है, एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन को एक रिप्लेस करके क्या लग गया, COCH2CH2COCOH, ठीक है। दो कीटो ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप है, और आपका दो एथाइल के साथ ये जुड़ा हुआ है, मतलब ये सक्सेनिल का फॉर्मूला होता है। तो सक्सेनिल का भी बता दिया, थायजोल बताए, तो दोनों मिला के क्या होगा, और सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर आधा है तो क्या हो जाएगा, सक्सेनिल सल्फाथायजोल, ठीक है। यूज बता दिया, इसका यूज जब इन्फेक्शन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में तब इसका हम यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी बता दी, प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये वाइट या येलोइश कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। और एक ये क्या कहते हैं, ये किसमें स्लाइटली सॉल्युबल होता है, वाटर में, और ये सॉल्युबल किसमें होता है, एक्वस एल्कली हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, और आपका कार्बोनेट में होता है। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि जो एयर में क्या होता है, स्टेबल होता है, बट जब आप लाइट के कांटेक्ट में इसको लाते हैं तो डार्क होने लगेगा एक्सपोजर ऑफ लाइट में, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, आपका जो इनिशियल डोज है इसका 10 से 20 ग्राम यूज किया जाता है डेली के रूप में,
और इसका यूज लार्ज इंटेस्टाइन में के इंफेक्शन में किया जाता है। ये सक्सिनी सल्फर थायजोल हो गया। फिर एक और लास्ट जो ड्रग है आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इसको भी आप देख लीजिए। जब तक तुम लोग खुद से नहीं याद करोगे तो ये स्ट्रक्चर नहीं याद होगा। बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है लेकिन एग्जाम में पूछता है। पहले तो फर्स्ट ईयर में बस प्रॉपर्टी यूज और स्ट्रक्चर छोटे छोटे थे, लेकिन सेकेंड ईयर में थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है लास्ट जो है सल्फा डायाजीन। आज मैं आप लोग को चार ड्रग पढ़ा दी, चौथा बताने जा रही हूँ सल्फा डायाजीन। सल्फा डायाजीन डायाजीन ठीक है, ये जो ग्रुप NH2 मतलब कि जो नाइट्रोजन होगा उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर वही है, ठीक है, एक तरफ NH2, दूसरी तरफ क्या है आपका S double bond O NH के साथ क्या जुड़ा है आपका नाइट्रोजन। रिंग जो जुड़ी है, ठीक है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया सल्फा डायाजीन। इसको आप नंबरिंग कैसे करेंगे, 1, 2, 3 और 4। किसे पहले पोजीशन पे क्या है आपका पिरिमिडीन जी 2-ईन, पिरिमिडीन वाली रिंग है 2-ईन। ठीक है, तो इसका नाम चाहे तो लिख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा N1 pyrimidine 2-ईल सल्फानिलामाइड। ठीक है, तो चाहो तो इसका IPSC नेम लिख सकते हो। वन पोजीशन पे आपका पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन 2-ईल सल्फानिलामाइड इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका नाम ये हो जाएगा। तो सल्फा डायाजीन को IPSC नेम क्या हो जाएगा, 1-pyrimidine-2-ईल सल्फानिलामाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया आपका बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके पिरिमिडीन वाली रिंग जुड़ गई है। ठीक है, फिर इसका आता है प्रॉपर्टी और यूज। तो ये भी क्या है वाइट कलर का, प्रॉपर्टी और यूज भी देख लो इसका। और बना दे रहे स्ट्रक्चर उसका, स्ट्रक्चर क्या था इसका, बेंजीन रिंग था बस। ठीक है, ये NH2 ऐसे कैसे ही रहेगा। दूसरे तरफ क्या था, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जो दूसरा NH के साथ आपका पिरिमिडीन वाली रिंग जुड़ी होगी।
ठीक है, ये आपका pyrimidine वाली रिंग जुड़ गई ऐसे ही, है ना? ठीक है, ठीक है, ये आपकी आपकी ये pyrimidine वाली रिंग हो गई। ठीक, ये आपका उसका स्ट्रक्चर हो गया, किसका हो गया आपका सल्फा डायजीन का। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी और यूज देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड यूजेस, सबसे पहला क्या है, ये व्हाइट कलर का, व्हाइट या येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर था। इट इज व्हाइट और येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन, वही है। ये क्या है, ये भी क्या है, किसमें सॉल्युबल होता है? इट इज सॉल्युबल इन सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर इसलिए क्या है कि हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट एंड इट इज आल्सो सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड। डाइल्यूट मिनरल एसिड, ठीक है। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, जो सल्फा डायजीन का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया कि आपका जो सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर है सेम वही रहेगा, बस एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एमाइड वाले का, उसमें क्या लग जाएगा, पिरिडीन वाली जो रिंग होगी वो लग जाएगी। पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तरह, बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसमें दो नाइट्रोजन ग्रुप पाया जाता है, डायजीन डायाजीन से ही समझ लो कि उसमें जो क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। डाया मतलब दो, एजीन मतलब एजीन हो गया, मतलब बेंजीन वाला आपका नाइट्रोजन वाला। तो सल्फा डायाजीन का स्ट्रक्चर आता है कि आपको पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। फिर प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि ये व्हाइट कलर या येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। दूसरा क्या बताया मैंने कि ये जो होता है सॉल्वल किस में होता है, आपके एल्कली हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट में, जो कार्बोनेट जो होता है उसमें भी ये सॉल्वल होता है, लेकिन ये किस में और भी सॉल्वल, जो डाइल्यूट आपका मिनरल एसिड होता है। मिनरल एसिड मैंने बताया था आपका नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके मिनरल एसिड हो गए, इसमें भी ये क्या होता है, सॉल्वल होता है। फिर क्या होता है इसका किसमें, ये क्या होता है आपका, ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। एक और मेन पॉइंट लिख लो, इट इज, भूल से मत लीजिए ना कि ये सॉल्युबल होता है वाटर, दिस इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसका यूज कैसे करते हैं, जो सल्फा डायजीन जो होता है ये किस में यूज करते हैं, ये टैबलेट फॉर्म में यूज किया जाता है।
ठीक है। ये किस में यूज किया जाए, टेबलेट फॉर्म में यूज किया जाता है, और जो टॉपिकली इन्फेक्शन मतलब स्किन से रिलेटेड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। फिर इसका यूज मतलब जो डोज होता है 3 ग्राम, 2 से 4 ग्राम डोज पर डेली इसको लिए जाते हैं, और ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा जो होता है, बाकी सब बताए हैं कंपाउंड, वो कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन में यूज हो रहा था, कोई लार्ज इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन में यूज हो रहा था, क्योंकि इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में यूज हो रहा था, क्यों कोई यूटीआई में यूज हो रहा था, लेकिन सल्फोनाडाइजिन जो होता है टॉपिकली इन्फेक्शन में भी यूज होता है, माइक्रो एंटी मलेरियल ड्रग में भी यूज होता है, एंटी मलेरियल ड्रग का भी ये काम किया करता है जो सल्फोनाडाइजिन जो होता है। ठीक है, और इसका यूज किस में किया जाता है, मिनिंगोकोकल इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। तो मैंने क्या क्या बताया आपका इसके, आज मैंने कौन कौन से ड्रग बताया, सल्फाडायाजीन, सक्सेनिल सल्फा, थायाजोल, उसके पहले क्या बताया था, सक्सेनिल सल्फा थायाजोल सल्फा मेथॉक्सीपैरिडिन, और एक और बताया था आपका सल्फा गुआनिडीन, 4 ड्रग बताया था। सल्फा गुआनिडीन का भी स्ट्रक्चर मैंने बताया कैसे होता है, ठीक है, उसमें भी क्या लग जा रहा था, कार्बन के साथ NH और NH2 लग जा रहा था, सल्फा गुआनिडीन हो जा रहा था। ऐसे ही सक्सेनिल वाला भी बताया था कि एक हाइड्रोजन उधर रिप्लेस करके सक्सेनिल ग्रुप लग जा रहा था, एक थायाजोल वाला रिंग सक्सेनिल सल्फा थायाजोल हो जा रहा था। फिर मैंने आपको बताया था आपका सक्सेनिल सल्फा मेथॉक्सी पैराडाइजिन, इसमें क्या बताया था, इसमें क्या हो रहा था आपका, एक तरफ से मेथॉक्सी मतलब पिरिडीन के साथ मेथॉक्सी ग्रुप जोड़ दीजिए तो आपका सल्फा मेथॉक्सी पैराडाइजिन का स्ट्रक्चर हो जा रहा था। फिर मैंने इन सबका यूज बताया था कि सल्फोनामाइड के से ही रिलेटेड था कि सल्फोनामाइड का यूज क्या होता है आपका, तो सल्फोनामाइड का भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, इसी के अंदर जो सारे ड्रग आते हैं। तो मैंने बताया था आपका सल्फाग्वानिन का क्या यूज होता है, फिर मैंने बताया था सल्फाडायाजीन का क्या यूज होता है, सल्फा मेथॉक्सी पैराडाइजिन का क्या यूज होता है, सबका बताया, और सबका स्ट्रक्चर मैंने बताया कि मेथॉक्सी मतलब OCH3 ग्रुप लग जाएगा, अगर आपका थायाजोल वाला रिंग होगा तो थायाजोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, थायाजोल वाला एक नाइट्रोजन होगा एक सल्फर होगा, ये आपका थायाजोल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये थाया वाला ग्रुप लग जाएगा, थायाजोल वाला रिंग लग जाएगा। मेथॉक्सी का बताया था OCH3 वाला ग्रुप लग जाएगा, और क्या कहते हैं सक्सेनिल का बताया था कि मतलब एक तरफ क्या लग जाएगा, CO CH2 CH2 COCOH, ठीक है, तो ये किसका हो जा रहा था, सक्सेनिल का हो जा रहा था। इधर बता दे रहे थे थायाजोल वाला था, तो क्या हो जा रहा था, सक्सेनिल सल्फा थायाजोल, ठीक है, ये वाला सक्सेनिल मेथॉक्सी पिरामिड पैरिमिडाजीन, तो पैरिडायाजीन का स्ट्रक्चर, सक्सेनिल मेथॉक्सी पैरिडायाजीन का स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा था कि यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, OCH3 ग्रुप लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका नाम कि अगर ये इसका नाम क्या बस हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसमें अगर पूछ रहा कि आपका सल्फा मेथॉक्सी पैराडाइजिन, तो सल्फा मेथॉक्सी पैराडाइजिन का स्ट्रक्चर क्या लग जाएगा, यही वाला स्ट्रक्चर रहेगा, सल्फा डाइजिन में क्या लग जाएगा, OCH3 लग जाएगा, OCH3 लग जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा, मेथॉक्सी ग्रुप लग जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, सल्फा मेथॉक्सी पैराडाइजिन, डाया मतलब दो, एजीन मतलब नाइट्रोजन वाला ग्रुप। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में आगे नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद वाला, जैसे आपको डेप्सोन वगैरह पढ़ाना है तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।